हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ ज्योति सिंह। आज की जो वीडियो है वो फेस पैक के लिए है। मैंने एक नया मतलब एक ऐसी रेमेडी फेस पैक ट्राई किया है और आप मेरे फेस को देख सकते हैं। मैंने अभी कुछ भी अपने फेस पे कोई भी क्रीम कोई भी मॉइस्चराइज़र कुछ भी नहीं अप्लाई करा है। स्टिल इट्स ग्लोइंग। सो आज की जो वीडियो है उस पर चलते हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ साथ इस वीडियो को लाइक करके जाना और मुझे बताते रहना कि मुझे अगर कुछ वीडियो में चेंजेस करना है तो वो क्या हो सकते हैं। और हम वीडियो पे चलते हैं। वीडियो मैं यहाँ इस फेस पैक के लिए यूज़ कर रही हूँ बीटरूट, जो कि चुकंदर होता है। मैंने उसको कद्दूकस कर लिया है और उसका जो भी रस है, जूस है, वो मैंने निकाल लिया है एक बाउल में। और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सत्तू। मैंने सत्तू को 2 चम्मच लिया सत्तू। अगर जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूँ, जो भुजे चने होते हैं उसके मतलब उसका जो आटा बनता है, मतलब फ्लार बनता है, वो होता है सत्तू। वो काफ़ी, अगर आप जो लोग मतलब यूपी से हैं, जो लोगों को सत्तू के बारे में पता है, उनको पता होगा कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एनर्जी प्रोवाइड करता है, साथ साथ ही हमारी स्किन और हमारी हेल्थ को काफ़ी अच्छा रखता है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे मतलब ऐसे में सोच रही थी कि मैं क्या फेस पैक रेडी करूँ, तो मेरे दिमाग में ऐसे आ गया कि हम अगर सत्तू हमारे को इंटरनली इतना अच्छा रखता है तो एक्सटर्नली अगर हमारी स्किन पे फेस पे कैसा रिएक्ट करेगा। तो मैंने सोचा ठीक है, हम लगा के देखते हैं। मैंने ये सोचा था कि मैं रोज़ वाटर में यूज़ करूँगी, बट देन मेरे को बीटरूट का ख्याल आया कि बीटरूट भी हमारी स्किन के लिए मतलब हमारे को इंटरनली काफ़ी ब्लड जैसा बोलते हैं कि मतलब खून बनता है, ये बनता है, वो बनता है। मैंने कहा ठीक है, हम ग्लो देखते हैं कि कितना क्या आता है। मैंने यूज़ करा है और मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये कैसे बीटरूट का जूस निकाला है। उसको कद्दूकस करके मैंने कपड़े में अच्छे से उसको निचोड़ लिया है, तो उसका सारा जूस निकल गया है। उसमें मैंने 2 चम्मच सत्तू ऐड करा था और उसको मैंने मिक्स करा था। सत्तू जो है उसमें मिलने के बाद थोड़ा सा मतलब टाइट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको रोज़ वाटर यूज़ करते हैं, क्योंकि रोज़ वाटर के बेनिफिट्स हम सभी जानते हैं कि ये हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा है। तो एज अ टोनर भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने वो यूज़ करा है। और उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मैं आपको अप्लाई करते टाइम दिखा दूँगी। मैं ये प्रोसेस आपको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये पार्ट शूट ही नहीं हुआ। मैंने शूट के लिए रखा तो था, बट ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो इसलिए मैं वो चीज़ नहीं दिखा सकती आपको। मैंने आपको बता दिया इसको मैंने किस तरीके से रेडी करा है और मैं आपको अप्लाइंग दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है और इसको थोड़ा मोटा ही लगाना, क्योंकि ये हमारी स्किन को एक बहुत अच्छा ग्लो देने वाला है। बीट रूट का बेनिफिट सब जानते हैं, क्योंकि सब मतलब जूस पीते हैं, ऐसे भी एज ए सैलड भी खाते हैं, और साथ साथ ही सत्तू के बेनिफिट्स भी आप लोगों को पता है। बट फिर भी मैं इनके बेनिफिट्स साथ साथ इनकी इमेज वो मैं यहाँ पे दिखा दूँगी, आप लोगों को पता चल जाएगा। और इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लें। आपको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आपको अच्छे से वेट करना है। ये आपके फेस को काफ़ी अच्छा ग्लो देने वाला है, काफ़ी अच्छा एक, क्योंकि विटामिन्स के लिए जाना जाता है। साथ साथ ही ये आपके स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। बहुत अच्छा थिक फेस्ट लगाना है आपको अपने फेस पे, बहुत अच्छा ग्लो आने वाला है। तो आपको पूरे फेस पे लगाने के बाद 15 से 20 मिनट वेट करना है। उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं या फिर आप किसी टॉवल, गीले टॉवल से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँगी इमेज के साथ साथ आप मैंने किस तरीके से अप्लाई करा है, आप पूरा देखें। और आप लोगों को वीडियो लाइक करके जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे लिटरली मतलब अच्छा नहीं लगता कि मतलब मैं देखती हूँ कि मेरे चैनल पे लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ आते हैं, बट वो सब्सक्राइबर में कन्वर्ट क्यों नहीं होते यार। कर दिया करो सब्सक्राइब, आपका एक सब्सक्राइब से क्या हो जाता है बताओ, मुझे बता दो भाई, बता दो क्या हो जाता है, पैसे कट जाते हैं? नहीं, क्या दिक्कत क्या है भाई, कर दो। और मैं इतना एफर्ट करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मतलब वही वाली बात है, वो शूट पार्ट नहीं हुआ, हालांकि मैंने मेहनत करी बट वो शूट नहीं दिख रहा। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आउट ऑफ कैमरा होती हैं, बट आपको वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। दैट डजंट मीन कि बंदा मेहनत नहीं कर रहा है।
डेफिनेटली सब अपने अपनी जगह बहुत मेहनत करते हैं यूट्यूब पे। सो प्लीज़ आप अगर किसी के भी चैनल पे जाते हैं प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें। और ये बात आप मेरी वीडियो पे सुन रहे हैं तो पहले मेरी वीडियो को करें, उसके बाद आप आगे जाएं, ठीक है। ये मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है और अब आपको इसको अच्छे से रिमूव करना है और आप मेरे फेस को देख सकते हैं, ग्लो ही ग्लो है, ठीक है।